लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई की झोपड़पट्टियों में नशे का कारोबार चल रहा है। स्कूली बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, जो शैक्षणिक माहौल और शहर की सुरक्षा दोनों के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। आज पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने एनएमएमसी आयुक्त के समक्ष इसी मुद्दे को उठाते हुए स्कूलों को तत्काल खोलने की मांग की। शैक्षणिक सुधारों के लिए मशहूर सुधाकर सोनावने ने कहा कि स्कूलों के बंद होने से बच्चे पढ़ाई की बजाय गलत संगत में पढ़कर भटक रहे हैं। ऐसे में छात्रों को नशाखोरी से बचाने के लिए स्कूलों को फिर से शुरू करना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। नया बटन नाम का कोई ये आया है, वो बटन चूसते हैं तो बस उससे भी नशा हो जाता है। ऐसे ऐसे नशीली चीजें वहां पर बेची जाती है। और क्या आप चाहते हो, और क्या समाज में और क्या बिगड़ना चाहिए? अब ये है कि आपको म्यूनिसपालिटी में आके हमारा मर्डर करना चाहिए, इतना ही बचा है बस। जिस प्रकार से हम इस पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में बर्बाद होते देख रहे हैं, वो नशे लेकर बन जाएंगे तो ये घातक है, समाज के लिए घातक है। कोरोना लॉकडाउन के कारण स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में ताले लगे हैं। स्कूल बंद होने का असर ये है कि स्लम इलाकों के छात्र नशे का शिकार होने लगे हैं। इस गंभीर समस्या को उजागर करते हुए आज पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से चर्चा की और मनपा स्कूलों को दोबारा शुरू करने की मांग की। विधायक गणेश नाई की उपस्थिति में सुधाकर सोनावने ने कहा कि स्लम इलाकों में खुलेआम गांजा और नशीला पदार्थ बिक रहा है और स्कूली बच्चे गलत संगत में पढ़कर नशे के आदि बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि नशेबाजों के चंगुल में फंसे झोपड़पट्टी के कई छात्र ऐसे भी हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही गांजा और नशा बेचने लगे हैं, खुलेआम अपराध करने लगे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इन्हें लेकर गंभीर नहीं दिखता। पूर्व मेयर ने कहा कि ऐसी नाजुक और खतरनाक स्थिति से छात्रों को बचाना बेहद जरूरी है। दसवीं पास होकर बच्चा मेरे स्कूल से जब चला गया, उसके बाद अब वो 11वीं में बच्चा पढ़ रहा है और अपने बाप को उसने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। उसने एक गिरोह ज्वाइन कर लिया, वो गिरोह गांजा पिलाता है, चरस पिलाता है, रात में चोरी कराता है, दिन दहाड़े गांजा बेचते हैं वहाँ पर। नया बटन नाम का कोई ये आया है, वो बटन चूसते हैं तो बस उससे भी नशा हो जाता है। ऐसे ऐसे नशीली चीज़ें वहाँ पर बेची जाती है। स्कूली बक्से में लेके भी बच्चे गांजा बेचते हैं। कंप्लेंट मैंने किया था, मैंने डीसीपी साहब को बताया था, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को बताया था। उन्होंने उस गांजे वाले को बुलाया, बोले अरे ये तो नंगा बाबा है, ये तो बूढ़ा आदमी है, ये क्या बेचेगा, लेकिन ये बेच रहा है। और उसके चलते वो गांजा पीने वाले ने वो गली में मोटरसाइकिलें जलाने की वारदात शुरू कर दी, कई लोगों के ऊपर चाकू मारने की वारदात शुरू कर दी, रास्ते पे खून खराबा करने शुरू कर दी, दिन दहाड़े चोरी करना शुरू कर दी। और क्या आप चाहते हो, और क्या समाज में और क्या बिगड़ना चाहिए? अब ये है कि आपको म्यूनिसपालिटी में आके हमारा मर्डर करना चाहिए, इतना ही बचा है बस। गौरतलब है कि सुधाकर सोनावने शैक्षणिक सुधारों के लिए मशहूर रहे हैं। उनकी चिंता है कि यदि स्लम इलाकों के छात्रों ने गलत राह पकड़ ली तो वे शहरी इलाकों में भी अपराध करेंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए यदि बंद स्कूलों के सैकड़ों शिक्षकों का इस्तेमाल जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इससे हालत को सुधारा जा सकता है। पूर्व महापौर ने कहा कि यदि स्कूल खुल जाए तो छात्र पढ़ाई में व्यस्त हो जाएंगे, जो उन्हें बचाने का बड़ा जरिया बन सकेगा। उन्होंने अपील के साथ कहा कि ऐसे छात्रों को स्लम इलाके का समझकर छोड़ देना नाइंसाफी होगी। इन्हें नशाखोरी से बचाने और सही रास्ते पर लाने का दायित्व हम सबका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि महानगर पालिका प्रशासन इस पर जरूरी पहल करेगा। पिछले 1.5 साल से स्कूल नहीं चल रही है और स्कूल के जो टीचर है उनकी संख्या हजारों में है। उन हजारों शिक्षकों को अगर हम इस प्रकार से बच्चों के अच्छे कर्म के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो जिस प्रकार से झोपड़पट्टी में छोटे छोटे बच्चे आपको गांजा और नशीली चीज़ों के आदि होते दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम इस पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में बर्बाद होते देख रहे हैं, वो नशे लेकर बन जाएंगे तो ये घातक है, समाज के लिए घातक है। इसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि झोपड़पट्टी का बच्चा है, वो झोपड़पट्टी का बच्चा के कॉलोनी में आके वहाँ पर मर्डर नहीं कर सकता है, चोरी नहीं कर सकता है। उसके तरफ मीडिया ने भी ध्यान देना चाहिए। मैंने तो हमारे आला नेता है उनके सामने ये बात रखी है, म्यूनसिपल कमिश्नर है उनके सामने बात रखी है, पुलिस कमिश्नर को भी बहुत जल्द मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से ये हो रहा है ये समाज के लिए बहुत घातक है। और रोकेंगे तभी
निश्चित रूप से ये जो शहर है भविष्य में आने वाला जो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रश्न है वो निर्माण नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।